हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका टेक्सटबुक सुपर कोचिंग पर। तो फाइनली आज बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी एक टॉपर्स अपनाता है। भाई आखिर देख लो, हाउ टू क्रैक जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली अटेम्प्ट में जेआरएफ भी निकालें और आपका टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या है, अगर उसके बारे में बात करें तो आपको पहली अटेम्प्ट में जेआरएफ निकालने में बहुत आसानी होगी। तो जल्दी से एक छोटे से पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन चार पांच बातों का अगर आप ध्यान में रखोगे तो वो पॉइंट आपको कहीं ना कहीं आपकी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंचाने में हेल्प करेंगे। उससे पहले आप मेरे टाइमिंग को जरूर नोट करें क्योंकि ये सेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। संडे टू थर्सडे आप मेरे साथ शाम को 7 बजे फ्री क्लासेस यूट्यूब पर जरूर कनेक्ट होएं और उसके बाद 10 बजे मास्टर क्लास में ये टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऐप पर आपको मिलेगी क्लास। दूसरी बात, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको आप जरूर ज्वाइन करके रखें। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो जरूर ज्वाइन करके रखें अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। और साथ के साथ अगर आपने यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं टॉपर्स स्ट्रेटजी की। भाई टॉपर्स क्या करते हैं? भाई ये देखो, आप कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि आखिर कर क्या रहे हैं, टॉपर्स क्या कर रहे हैं। सबसे पहले टॉपर्स का माइंडसेट है, अपना माइंडसेट लेके चल रहे हैं वो लोग। उनका माइंडसेट क्या है कि उनको पता है कि एक डिटरमाइंड मैनर पर आगे बढ़ना है। माइंडसेट है वो, आपका डिटरमाइंड है, ऑलरेडी डिटरमाइंड है कि उनको करना क्या होता है। उनको कंटेंट को कवर करना है, कंटेंट कवर करना है, प्लस उसको आपको रिवाइज भी करना है, प्लस उसके साथ उनको क्या करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। टॉपर्स यही करते हैं। इस ये चीजें उनके बिल्कुल क्या होती है, उनके दिमाग में सुबह शाम चल रहा होता है कि जो भी कंटेंट वो पढ़ेंगे उसको रिवाइज एक रेगुलर बेसिस पर करेंगे और साथ के साथ पैरेलली वो उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस पैरेलली कर रहे होंगे। तो ये तो बिल्कुल उनके खून में है, ये कर ही रहे हैं। इसके बिना तो आपका क्या होगा, आप टॉपर्स या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ नहीं निकाल सकते। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, ये काम किस तरह से कर रहे हैं, वो एक कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी बना के रखी हुई उन्होंने, मतलब जो काम आप आज कर रहे हो वही काम आपको कल भी करना है, वही परसों भी करना है और उसी चीज उसी स्पीड से करना है, उसी डिटर्मिनेशन के साथ करना है, उसी डेडिकेशन के साथ करना है। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन कंटेंट पढ़ लिया, 10 दिन बाद मन किया तो क्वेश्चन लगा लिए, फिर 20 दिन बाद मन किया तो रिवाइज कर दिया 2 पेज। ऐसा नहीं है, एक रेगुलरिटी प्लस कंसिस्टेंसी बना के रख रहे हैं वो लोग ताकि कोई भी चीजें उनकी स्किप ना हो। और क्या कर रहे हैं, वो अपने साथ एक बहुत क्विक नोट्स बना के चलते हैं। क्विक नोट्स, वो क्विक नोट्स क्या होंगे, शॉर्ट होंगे, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल क्रिस्प होंगे, शॉर्ट होंगे प्लस क्रिस्प होंगे। यानी कि सपोज करो कोई एक किसी टॉपिक में कोई फॉर्मूला आ रहा है, उस फॉर्मूले को वो एक जगह कंपाइल करेंगे, जितने भी रिलेटेड कंटेंट के फॉर्मूले हैं एक जगह लिखेंगे, जितने भी इनहिबिटर्स हैं उनको एक जगह लिखेंगे ताकि आपको इस दर मिसमैच ना हो। एक ही बार खोलो, ये इनहिबिटर किसका है, ये इनहिबिटर किसका है, ये इनहिबिटर किसका है। तो जो रिलेटेड कंटेंट है, जो मेमोराइज कंटेंट है और रिलेटेड है, ताकि उनको बार बार आपको खोलना पड़ता है, पेज खोलने पड़ते हैं, तो वो एक जगह कंपाइल होंगे। तो क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपने डेली सुबह शाम एक बार देख लिया, उनको फोकस कर लिया और रख दिया। फिर ऐसे ही अगले दिन मिले, थोड़ा आपने पेज खोल लिया, देख लिया, दिमाग में एक बार फिर से मेमोराइज कर लिया। तो इस तरह किसी भी चीजों को अगर आप मल्टीपल टाइम ऑब्जर्वेशन में ला रहे होगे तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो ये कर रहे हैं वो, इस तरह से एक छोटे अपनी बिल्कुल छोटी डायरी बना के रख रहे हैं। वो आप पॉकेट डायरी भी हो सकती है कि चलते फिरते आप उस चीजों को, कंटेंट को क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर रहे हैं वो लोग। और क्या कर रहे हैं वो, साथ के साथ अपनी सेल्फ एनालिसिस भी कर रहे हैं वो। साथ के साथ वो क्या कर रहे हैं भाई, आप ये देखना, वो आपका क्या कर रहे हैं, वो आपका सेल्फ एनालिसिस भी कर रहे हैं, यानी कि आप बोल सकते हो सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं। मतलब उनको पता है कि आज आप इतना पढ़ रहे हो, तो आज आप फर्स्ट डे पर कहां थे और आज से आप 15th डे पर कहां खड़े हो। आपका लेवल 15 दिन पहले क्या था और आज आपका लेवल क्या है, कितना आपने सीखा है और कितना राइट डायरेक्शन में सीखा है, अब आपको क्वेश्चंस लगाने में कितनी आसानी हो रही है। तो एक रेगुलर इंटरवल पर क्या कर रहे हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं और कहीं पर उनको अगर वीक पॉइंट लग रहा है तो वो वीक पॉइंट को दूर करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और ये आपको भी करना होगा अगर आपको एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है या टॉपर्स बनना है। ठीक है, दूसरा, वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। डोंट कंपेयर विद अदर्स, डोंट कंपेयर विद अदर्स। भाई हर किसी का, मैं बार बार एक ही वर्ड बोलता हूँ, हर किसी का पोटेंशियल अलग होता है। तो आपको अपने आप से कंपेयर करना है। आपने आज कोई टेस्ट दिया
तो आप टेस्ट नंबर वन और टेस्ट नंबर टू, आप टेस्ट नंबर टू को टेस्ट नंबर वन से के रिजल्ट से कंपेयर करो ना, कि भाई पिछले दिन वाला जो टेस्ट दिया था उसमें कहाँ कमी रहेगी और आज कहाँ कमी रहेगी। अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो अपने रिजल्ट से। भाई दूसरे के रिजल्ट से क्यों कंपेयर करना, उसने अलग तरीके से पढ़ा होगा, उसने ज्यादा पढ़ा होगा, उसने कम पढ़ा होगा, वो छोड़ो ना उसको, खाम का परेशान हो जाओगे। अपने आप को चेक करो कहाँ गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को दूर करो, और अगले टेस्ट में वो गलतियां होनी नहीं चाहिए, ये चीजें करो। और साथ के साथ और उनके पास क्या होता है, वो रीडिंग हैबिट अपनी स्ट्रांग रखते हैं। रीडिंग हैबिट उनकी स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग रीडिंग हैबिट। भाई क्वेश्चंस आपके सामने ऑनलाइन आ रहे हैं, और ऑनलाइन अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पर 10 लाइन का कोई क्वेश्चन है तो पढ़ने में भी तो टाइम लगता है। तो आपके पास अगर रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं है, आप जल्दी क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो, तो ये भी एक कमी है। तो जितना ज्यादा आप खाली टाइम पर यही करो, 10-10 मिनट आप कोई अपने ऑनलाइन पर अपने सिस्टम पर ही कोई न्यूज पेपर पढ़ो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑनलाइन पढ़ो, रादर देन उसकी हार्ड कॉपी लेकर ये पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखनी है। तो आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, डिटर्मिनेशन होना है, साथ के साथ आपको एक क्विक नोट्स बना के रखने हैं, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे पॉइंट उसमें मेंशन करने हैं, रिलेटेड पॉइंट, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली लिख रहे हो, रिलेटेड पॉइंट्स को एक जगह कंपाइल करना है, अपनी तैयारी को सेल्फ इवेल्युएट करना है, और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट प्रॉपर देने हैं। भाई बिना टेस्ट के कुछ नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं ये मॉक टेस्ट देने ही होते हैं, क्योंकि आप अपनी तैयारी को इन्हीं टेस्ट से ऑब्जर्व करते हो। तो वही टॉपर्स करते हैं कि अपनी तैयारी को चेक करने के लिए वो रेगुलर टेस्ट दे रहे होते हैं और टेस्ट से अपने आप को चेक कर रहे होते हैं। तो इतने पॉइंट आपको जरूर करना होगा। तो यही जो टॉपिक था, अब आप होपफुली समझ गए होंगे हाउ टू क्रैक जेआरएफ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो केवल पढ़ने से नहीं, और दूसरी बात, वो जो टॉपर्स होते हैं जो निकाल रहे होते हैं, वो एक ही टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम वेस्ट कैसे करोगे भाई, अगर आप एक ही टॉपिक को 10-10 बुक से पढ़ रहे हो, 10-10 जगह से पढ़ रहे हो, तो कोई भी फायदा नहीं है। भाई समझ में आ गया ना आपको कंटेंट, उसकी डेप्थ में समझ लिया आप, तो भाई एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अपने पास रखो। ऐसा नहीं कि उसी के टॉपिक के लिए 20-20 जगह से भाग रहे हो, बाकी कंटेंट छूट जा रहा है, बाकी सिलेबस छूट गया, एक ही कंटेंट को इतना पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस बना के चलना है, सारे कंटेंट कवर होने चाहिए, एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपके पास होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स का कंटेंट होना चाहिए, ताकि वो कंटेंट आपको धोखा ना दे। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे तो बिल्कुल जेआरएफ आपका कन्फर्म होगा, और अपने आप को अपने आप से ही मॉनिटर करें, दूसरे से क्रॉस एग्जामिन ना करें। ठीक है, तो इतनी बातें जरूर ध्यान में रखोगे। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, मेरी क्लासेस शाम को 7 बजे चलती हैं, और ये बूस्टर कोर्स दिसंबर 2024 के लिए अगर आप सोच रहे हैं, एक बूस्टर कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है, इस बूस्टर कोर्स को जरूर ध्यान में रखें और आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऊपर से आप एक ऊपर और देखो, ये आपको एक कूपन कोड यहाँ पर नजर आ रहा है, आशीष, क्या लगाना है आपको, कूपन कोड आशीष जी, आशीष जी अप्लाई करोगे तो आपको क्या होगा, जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इन चीजों का जरूर ध्यान में रखें, और अगर आपने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्या टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे। तो मिलूंगा आपके साथ में अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू ऑल, बाय बाय।